कैटरिंग कॉलेज से बाजूला कृष्णा भाई, हाँ भाई नीचे करो यार, ये पीडी लाइट बहुत आ रही है। प्रोड्यूस किया था उसने अपनी सुशील कुमार सिंह की फिल्म अपने एस एस एफ कितने लोग आए हुए आज नॉन वेज पे क्या जानेंगे तुम? देव को बैठने को इसी बैठने को अरे मित्र मोबाइल दे जी आप ऐसे फोन कर लीजिए आपने मैं इसको पूछ रहा था कि आज आपकी शर्ट क्यों इतनी सुंदर लग रही है, इतने सब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आएंगे। हाँ एक मिनट तुमने खाली बस कैसे मिले आप हमारी बहन से? थोड़ा
चलो नीचे अरे मागे ते देना पुढे चालले ते अरे बाबा अरे आप लोग कवर छोड़ दो बाबा ओए अरे बाबा तुम लोग साइड हो जाओ ना तुम लोग बीच में हो इमोशन तो कवर करते अरे वाइट है तुझे वाइट है शीट वाइट उसके बाद अरे बस नवीन चुका अभी हमारे तरफ से आप हमको गिफ्ट देनी है भाई अभी अभी बाकी सब सब साइड में पूरा बहुत खाली कर अरे सब लोग आ जाओ अरे थोड़ा ना मोबाइल ये आपके मेरे घर की चाबी छोटी लाइन बाबू छोटी अरे हाँ मधे मधे हो मधे मधे हो मधे हो फोटो मधे हो एक क्या बोल रहे हैं दोन मिनट थांब एक मिनट दादा अरे एक सर इधर दिखा दो अरे त्याला पुढे अरे 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 वो तो दुल्हन अरे दुल्हन दिख रही है अरे दुल्हन दुल्हन पीछे विवेक जी विवेक जी विवेक जी उसको आगे वो दिख नहीं रही दुल्हन मैं ज्यादा
कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस सुखी रहो दोनों साथ में हमेशा। हमारी छोटी बहन है ललिता और रविशंकर ने इतना अच्छा काम किया है, इतना इन्होंने इनको दिल से प्यार किया है। मुझे अभी बता रहे थे इनकी कहानी बिल्कुल एक फिल्मी लव स्टोरी की तरह है। इन्होंने इनको गलती से रॉन्ग नंबर पे फोन किया था और इन्होंने कॉल बैक किया और इनकी फोन पे दोस्ती हो गई और आज वो दोस्ती एक प्यार बन रहा है और एक नई शुरुआत बन रही है, एक नई जिंदगी बन रही है। ललिता के बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी छोटी बहन है ये बहुत स्ट्रांग लड़की है। इसके साथ इतना कुछ हुआ उसके बावजूद हमारे साथ मंच पर आके जब मुख्यमंत्री जी की वाइफ जो है अमृता भाभी ने जब ऑर्गेनाइज किया स्टेट विमेंस कमीशन एंड ASSF जो एसिड सर्वाइवर्स साहस फाउंडेशन है उन सब के साथ में मिलके हमने एक शो किया था अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, तब मैं ललिता से बैकस्टेज मिला और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि छोटी बहन की शादी हुई और मैं आके ऐसे कुछ सपोर्ट कर पाया और प्यार दे पाया और आशीर्वाद दे पाया। सर आपने गिफ्ट भी दिया है, थोड़ा जाना चाहिए उसमें ज्यादा सर। गिफ्ट देने के बाद में क्या बोलना है, इनको दे दिया दे दिया। ओके सर, जैसे कि हमने पढ़ा है और हमने देखा है जैसे कि आप जवानों को भी गिफ्ट दे रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। कुछ नहीं, इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक बहुत प्यारे परिवार का एक अंश हूँ। कर्म ये कंपनी नहीं, एक फैमिली है और हमारे 500 से ज़्यादा सदस्य हैं आज और 19,000 परिवार आज कर्म के साथ रिश्ता जोड़ चुके हैं अपना घर अपना सपना पूरा करने के लिए। 19,000 फैमिलीज अक्रॉस महाराष्ट्र। तो कर्म के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हमारा नाम ही कर्म है, अच्छे कर्म में हम विश्वास करते हैं, तो जब ऐसा मौका मिलता है कि हम किसी का साहस बढ़ा सकें, एक रियल हीरो का साहस और बढ़ा सकें और स्ट्रेंथ दे सकें उसको एक छोटी सी भेंट देकर, हमारे जो जवान हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उनके परिवारों ने समर्पित किया है, उनका साहस बढ़ा सकें, तो ये एक छोटी सी हमारी पहल है, कोशिश है और हम करते रहेंगे। ये पूरे परिवार को श्रेय जाता है, पूरे कर्म के फैमिली को श्रेय जाता है, मुझे नहीं। सर, भारत के सैनिक ने अभी पाकिस्तान के इस पे चौकी पे फायर किया, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जो उनका काम है, जो उनका कर्म है वो कर रहे हैं और देश की सेवा में कर रहे हैं, जो हमारा काम है हम कर रहे हैं देश की सेवा में कर रहे हैं। और सर, जो मोदी सर के मतलब 3 साल पूरे हो गए तो उसके ऊपर क्या कहना है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है एंड आई विश देम ग्रेट सक्सेस। देश का भविष्य उज्ज्वल हो और सभी का फायदा हो, ग्रोथ हो हमारी कंट्री में। मुझे लगता है कि इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि हम बोलते हैं इंडिया इज ग्रेट बट आई थिंक वी कैन बी ग्रेटर। आई थिंक हम सिर्फ इंडिया ही नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट कंट्री बन सकती है और हम सबको उसमें एक पॉजिटिव सरकार का साथ देना है और काम करना है। नॉट हियर, यहाँ मैं फिल्म प्रमोट करने नहीं आया। थैंक यू।